अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन सिंह जाधव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अग्निपथ अकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये क्लास आपकी जो पिछली क्लास हुई थी उसी क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था और उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, मतलब वर्णमाला यानी कितने हमारे जो उसमें हैं उसमें कितने अक्षर हैं या फिर कितने वर्ण हैं, उन्हीं को फिर हमने बताया था। जैसे स्वरों का वर्गीकरण कराया था, स्वरों का वर्गीकरण हमने मुँह के आधार पर भी कराया था। उसके बाद मुँह के आधार पर, फिर ओष्ठ के आधार पर, यानी सभी प्रकार का जो भी वर्णन था वो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। और स्वरों के बाद व्यंजन की बात करेंगे आज। तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमने पिछली क्लास में बताया था 33 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 33 व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम आपको जैसे कि स्वर के बारे में बता दिया, उसी प्रकार अब व्यंजन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। व्यंजन जैसे कि व्यंजनों के बारे में बात करें तो स्पर्श व्यंजन को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो लिखें स्पर्श व्यंजन के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है यूपी पुलिस में, पिछली बार पूछा भी गया था कि स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन की पांच लाइनें जो बनती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पांच लाइनें कौन कौन सी होती हैं, तो वो एक ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है कचट तप। ये जो हम अभी वर्गों के यानी व्यंजनों के बारे में आपको बताएंगे उसी का ये हम ट्रिक के प्रारूप में बता रहे हैं, आप जो के कभी ना भूलें। तो कचट तप इसको हम कैसे लिखेंगे, ये वर्ग हैं, अभी हम वर्गों के बारे में बताएंगे कि ये किस वर्गों को, ये जो वर्ण लिखे हैं इनको किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो इन्हें हम इस रूप में लिखेंगे, जैसे कि क, फिर आता है आपका च, ये यहाँ नहीं, यहाँ लिखें, ये फिर क्लियर नहीं आएगा, ये यहाँ पे लिखें का, च, ट, ये वर्ग हैं, यानी जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसी प्रकार त वर्ग, ठीक है, क, च, ट, त, प, और ये प, ठीक। उसी प्रकार अब हम इन्हें लिखें, यहाँ पे इसके साइड में लिख लें वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और ये प वर्ग। ये ट्रिक है कचट तप, क, च, ट, त, प। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, स्पर्श व्यंजन कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं। तो इसका उत्तर आपको होगा, आप जो लिखेंगे वो होगा पांच। पांच कौन से हैं आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर आपका बनेगा 5, ठीक। उसी प्रकार अब आपको हम जैसे का के वर्ग में कौन कौन से जो वर्ण आते हैं वो लिखें हम यहाँ पे, जैसे कि का, च, का के बाद ख, उसी प्रकार ग, उसी प्रकार घ और अंगा,
अब आपका च वर्ग आता है, तो च वर्ग में लिखेंगे च छ ज झ ओम। ठीक, अभी च वर्ग तक हुआ है। अब उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बारे में बात करें तो ट टा टमाटर, कौन सा टा टमाटर वाला टा, फिर ठा ठटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन। बताएं डा ढक्कन के बाद क्या आएगा, अड़ा अड़ा अड़ा। उसी प्रकार त वर्ग में क्या आता है, तो ट वर्ग में भी आता है आपका ता तकली, था थन, दा दवाइस, धा धनुष, नानन। उसी प्रकार प वर्ग भी आपका, जैसे कि पा पा पतंग, हा फल, और आपकी बा बकरी, बा बट्टी, और मा मच्छी। तो ये आपके का वर्ग के हो गए, ये च वर्ग के हो गए, और ये ट वर्ग के हो गए, और ये त वर्ग के हो गए, और ये आपके पा वर्ग के। अब ये पांच जो पांच वर्ग के जो वो हैं व्यंजन, वो आपको हमने करा दिए हैं। अब इनमें आप दो चीज़ें देख रहे होंगे जो कि इस प्रकार हैं, कौन कौन से वर्ण हैं। एक ये हो गया आपका ड़ा, और ये ड़ा, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, ये यानी ये व्यंजन, ये व्यंजन इन्हें हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो व्यंजन हम इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए डा डा ढक्कन, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन है, आपको एक बार और मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन ये भी बनता है। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शब्द शुरू नहीं होता है। क्या लिखेंगे, जिनसे किसी भी प्रकार का कोई भी हिंदी वर्णमाला में कोई शब्द शुरू नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद अब आप देखेंगे ये जो वर्गों की बात की थी, जैसे कि हमारा पहला ये वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, और ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका पांचवा हो गया। अब आप देख रहे होंगे जो आपका पांचवा जो वर्ग है उसको हम क्या कहेंगे, या फिर ये हम बोलकर एक बार देखें इन जो व्यंजनों में, एक बार बोलें आ वा, या फिर अड़ा ना मा। कहाँ से ध्वनि निकल रही है, ये जो ध्वनि निकल रही है ये हमारी नाक से ध्वनि निकल रही है। नाक से ध्वनि कैसे निकल रही है, आप इन व्यंजनों को एक बार दोहराएं या फिर रिपीट करें या फिर अपने स्वयं से एक बार बोलकर देखें, तो बोलिए आ अड़ा ना मा। तो क्या है ये, नासिक के वर्ण। तो इन्हीं को हम यहाँ बगल में लिख लेंगे, ये हमारे नासिक के वर्ण हैं, नासिक, नासिक के वर्ण, नासिक वर्ण भी बोल सकते हैं, या फिर इन्हें हम अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण भी बोल सकते हैं, अनुनासिक। क्या बोल सकते हैं, अनुनासिक। ठीक, क्लियर हुआ। अब आप आगे चलेंगे, ये तो हमने आपको स्पर्श व्यंजनों के बारे में बता दिया, या आपको एक चीज और इनके बारे में बताऊं, स्पर्श व्यंजन जीभ घुमाने से जो वर्ण बोले जाते हैं,
यानी हम अपनी जीभ को घुमाएं, हमारी जीभ जिस जगह आ जाएगी, यानी जैसे कि हमने ता बोला तो देखिए ता बोलते हैं तो हमारी जीभ दांत के पास आ जाती है, टा बोलते हैं तो हमारे जीभ की जो ऊपर वाली छत है उस पे लगती है हमारी जीभ। उसी प्रकार हमारे व्यंजनों का भी वर्गीकरण वहीं से हो जाता है। अब आप अगर परिभाषित रूप में भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जीभ घुमाने से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जीभ घुमाने से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, इसको परिभाषित रूप से भी मैंने करा दिया है, ये आप नोट डाउन कर लें, क्लियर कर लें। आगे कंटिन्यू करते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के बारे में बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बताइए जल्दी। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्गों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों, यानी स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन बताएं, बहुत ही सरल हैं, लिखिए या या र ल व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। इनको आप एक बार उच्चारण के हिसाब से बोलकर देखिए, क्या मैंने लिखाया था स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वर्गों का उच्चारण। वर्ग जो मैंने अभी आपको पिछले टॉपिक में अभी कराया है, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, च वर्ग, उसी में आपका इन स्वरों का जो है व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन था। उसके बाद ऊष्मीय, यानी ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं लिखेंगे, ऊष्मीय व्यंजन ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन बताएं, इन्हें ये वो व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलते समय मुख से जो ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इन व्यंजनों को बोलते समय जो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है उन्हीं को हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। बोलकर देखिए कैसे गर्म हवा निकलती है कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए
कि ऊष्मीय व्यंजन होते क्या हैं, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि ऊष्मीय हम जो कौन से वर्ड मुंह से निकाल रहे हैं तब उसमें प्रकट हो रही है। बताइए, तो ये आपके हो गए स, क्रम से लिखेंगे सलजम वाला सा, उसके बाद ये वाला सा, पेट फटा वाला सा जो हम छोटे में बचपन पे पढ़ते थे, उसके बाद आता है षटकोण वाला सा, और आपका आता है आखिर में हा, हा हल। तो ये जो हमारे स स फिर स और उसके बाद हा हैं, ये क्या है, इन्हें क्रम से कैसे बोला गया है? ये तालब्य है, जो पहले सीटी वाला जो सलजम वाला सा है इसको हम तालब्य जब हम बोलते हैं तो ये तालब्य से बोलते हैं, तो ये हो गया तालब्य, तालब्य। बोलकर देखिए स स, उसके बाद हमारा मूर्धन्य ये वाला सा, ये कौन सा हो गया मूर्धन्य स, और जो तीसरा सा है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है दंतव्य, लिखेंगे दंतव्य। आप एक बार इन्हें बोलें। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल के अगर थ्रू बताया जाए तो ऊष्मा, इसमें हमने बताया अभी ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा जैसे बोल के देखिए हा हा, यानी हमारे मुंह से जो गर्म हवा जो निकलती है उसी प्रकार इस परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो आपने देखा स, उसके बाद फिर स, ये मूर्धन्य से, ये दंतव्य से, और जो हा हो गया इसका ये भी इसी में है। तो लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये जो अंतस्थ व्यंजन आपको कराए थे वो कौन कौन से थे? यरलव, यरलव ये क्या है, इसमें जो या और व है जो, इन्हें क्या बोलते हैं, या और व, इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए अर्धस्वर, क्या बोलेंगे अर्धस्वर। उसके बाद जो रा है, ये रा, ये वाला रा, ये लुंठित, इसको बोलेंगे लुंठित या फिर प्रकंपित, प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित क्यों कहेंगे? प्रकंपित लुंठित, एक तो ये लुंठित जैसा तो इसकी शकल है, उसके भी बावजूद ये प्रकंपित भी है। क्यों प्रकंपित कैसे है? र, आप बोले एक बार र, र, तो हमारा जो र जो ध्वनि निकलती है तो वो कंपनसी कर रही है गले में, र बोलिए आप र, तो उसी प्रकार इसका जो वर्ड है प्रकंपित, प्रकंपित हम जो कंपन कर रहा है उसी को हम प्रकंपित बोलेंगे। और जो आपका ये ल बचता है ये पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन है। ये क्या हो गया आपका अर्धस्वर या और व, रारत लुंठित प्रकंपित, और ल जो है पार्श्विक व्यंजन है। ये जो ऊष्मीय व्यंजन को आपको मैंने करा दिया है, उसके बाद अगली क्लास होती है संयुक्त व्यंजन, यानी अगला टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। क्लास में बने रहें अंत तक, क्योंकि ये आपका चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होने के बाद आपको दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कराए जाएंगे, और उसके बाद उन क्वेश्चनों के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं। तो ध्यान से क्लास को देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आखिरी में कराए जाएंगे उन क्वेश्चनों का आप अच्छे से उत्तर दे सकें किसी से भी पहले, ठीक है। तो आप अगला जो है संयुक्त व्यंजन है, क्या है संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के संयोग से बने होते हैं। इनको तो लिखने के आधार पर ही आपको पता पड़ गया होगा क्या संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के संयोग से, दो वर्णों के संयोग से बने होते हैं। ये व्यंजन
दो वर्णों के संयोग से बने होते हैं। ये क्लास आपकी आज का ये आपका चौथा लेक्चर है। आपको पहले लेक्चर में भाषा के बारे में बताया गया था, दूसरा लेक्चर आपको भाषा का जो कुछ टॉपिक बच गया था उसमें उसके बारे में बताया गया था, तीसरा जो लेक्चर था आपका उसमें आपको मैंने वर्णमाला के रूप में स्टार्ट किया था, और ये आपका आज का चौथा लेक्चर है जिसमें आपको वर्णमाला के बारे में पूरा अंत तक चैप्टर कराएंगे। तो इस क्लास में या फिर इस बैच में इस चैनल पर जो ऑनलाइन अग्निपथ अकेडमी का जो चैनल है उस पर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी जो आगामी भर्ती है आपकी आने वाली है, बहुत ही बड़ी भर्ती है, आज तक के रिकॉर्ड में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि नोटिफिकेशन में पहले ही बता दी गई है भर्ती बोर्ड की तरफ से 50,000 से भी ज़्यादा। उसमें कुछ UPSI की भर्तियों के बारे में भी चर्चा की गई है, लेकिन आपको जिस लक्ष्य से आपकी तैयारी आपको करनी है, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना फोकस उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही रखें, क्योंकि जो व्यक्ति SI के बारे में सोच रहा है वो अपनी SI की तैयारी करेगा, आप अपने पर फोकस रखें। तो संयुक्त व्यंजनों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो दो वर्णों के यानी जो ये व्यंजन दो वर्णों के संयोग से बने होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो आपके छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई के जो सबसे नीचे व्यंजनों में नीचे जो लिखा होता है क्षेत्र ज्ञ, कौन सा क्षेत्र ज्ञ और आपका स्र, चलो अब आपको इन्हें बताते हैं। ये दो वर्णों के संयोग से बने होते हैं, जैसे कि छ, छ कैसे बना है इसमें आपको देखिए एक तुक्का निकल के आ रहा है क और स, क और स यानी छ छ। उसी प्रकार त्र में भी त और र, त र, ज्ञ में ज और वा, क्या ज और वा। अब आपका आता है स्र, स्र यानी सीटी यानी सलजम वाला सा और र, स र। देखिए दो वर्णों के संयोग से बने, दो वर्ण यानी संयोग से बने इन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आपका आता है इसके बाद आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क्या होते हैं, आगत व्यंजन बताइए, आगत व्यंजन भी होते हैं और आगत स्वर भी होते हैं। तो पहले हम आगत व्यंजनों के बारे में बताएंगे, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, जैसे कि आप जैसे ये YouTube चैनल फिरोजाबाद में है, कहाँ है फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद अगर हम शब्द लिखें, फिरोजाबाद लिख के देखें, फिरोजाबाद, बताइए ये शुद्ध लिखा है या अशुद्ध, ये इसमें जो ज बना है वो ज, ये इस प्रकार होगा ज ज ज, उसी प्रकार ये शब्द होते हैं क ख ग ज, जैसे कि क ख क ख ज, और एक हो गया आपका ग ग।
तो ये आपका शुद्ध रूप है आगत व्यंजन का। आगत व्यंजन ये होते हैं और आगत स्वर आपके कौन से होते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे डॉक्टर डॉक्टर, इसमें आप ये आप ऊपर जो लगाते हैं ये आगत व्यंजन स्वर में आता है। और उसके बाद दूसरा हो गया आपका टॉफी, टॉफी लिखें टॉफी, या फिर लिखें कॉफी। तो ये आपको ओनली जानकारी के लिए रूप में बता रहा हूँ, ये आपको बस जानकारी होनी चाहिए इनकी, क्या होना चाहिए जानकारी, जिससे क्वेश्चन आए तुरंत आपको टिक करके और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता है एग्जाम में जिससे कि आप उन्हीं पर चर्चाएं करते रहें। तो कुछ चीज़ों को हमें क्लियर जल्दी से करना चाहिए। अब उसके बाद ये आप आगत व्यंजन के बारे में हमने बता दिया, अब घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार क्या लिखेंगे, घोष और सघोष के बारे में चर्चा करेंगे। घोषत्व यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार सभी लोग अपने अपने अभी से तैयारी में अच्छी तरह से जुट जाएं, समय ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अभी जो समय जा रहा है वही समय है, अचानक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भी डलवा लिए जाएंगे और एक महीने के अंदर फॉर्म फिल हो जाते हैं, उसके बाद आपका 2-3 महीने बाद एग्जाम करा लिया जाएगा। क्योंकि आगामी चरणों में देखा जाए तो चुनाव भी है, चुनाव को भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कितनी भी सरकारें आई कितनी भी गईं सब अपनी राजनीतियों के उसमें चलते हैं कि हमें कब क्या करना है। इसी प्रकार हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है, इसलिए अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई में नियमित रूप से बनाए रखें। चलो चर्चा करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजनों के प्रकार लिख लें, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताइए, अघोष अघोष और घोष और सघोष। घोष भी लिख सकते हैं और सघोष भी लिख सकते हैं, सघोष सघोष बताएं अघोष और सघोष क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों यानी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, जो स्वर हम बोलते हैं, तो यानी स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, कंपन न हो उच्चारण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों उच्चारण में स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें हम अघोष कहते हैं, यानी अघोष व्यंजन। और उसके बाद इसी प्रकार इसमें भी आप लिख लेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वरतंत्रियों स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अब आपको मैंने डेफिनेशन करा दी है, उसी प्रकार अब क्या कौन कौन से आपके वर्ग वर्ड होंगे। अब ये जो वर्ग हम बताएंगे, अब थोड़ा आप पीछे जाइए, पीछे का मतलब ज़्यादा पीछे नहीं। अभी मैंने वर्गों के बारे में बताया था, जैसे कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, उसी प्रकार हमने बताया था वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, वर्ग चार और वर्ग पाँच। तो जो पाँच वर्ग होते हैं उसमें से जो पहला और दूसरा वर्ग होता है वो अघोष होता है। इसमें लिखेंगे वर्ग पहला और दूसरा। तो इसमें जो स सीटी जो सलजम वाला स और स इसी में आते हैं, सलजम वाला स और ये स और स ये भी अघोष में ही आते हैं। और वर्गों की बात करें तो पहला और दूसरे वर्ग के जो वर्ण हैं यानी व्यंजन हैं वो इसी में आते हैं अघोष में। अघोष वो सघोष और घोष के बारे में बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो बचता है वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, ये तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के जो भी व्यंजन यानी वर्ण जो थे वो हमारे सघोष में आते हैं। इसमें यर लव भी आता है, अभी मैंने ऊपर कराया था य र ल ब, ये भी सघोष में आते हैं। और उसके बाद ह, ये ह जो हा हल है ये अब इधर आ गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको उष्मीय व्यंजन कराए थे, उसमें ये हा हल सात में था, लेकिन अब ये वर्गों के आधार पर इसमें वर्गीकरण हो रहा है तो उसमें सघोष में ये ह चला गया है और ये बाकी जो तीन बचे वो आपके अघोष में है। उसी प्रकार यानी घोष की तरफ चले जाते हैं, यानी घोष की तरफ ये यरलव घोष की तरफ चले जाते हैं, सारे स्वर सघोष में जाते हैं, सारे स्वर, ये भी लिख लेंगे, सारे स्वर सघोष में जाते हैं। ये कितने होते हैं? ये 20 होते हैं और ये 13 होते हैं, ये 13, ये 20, 13 और 20 33 व्यंजन कितने कराए थे हमने? 33। आपने घोषत्व के आधार पर व्यंजन घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़ लिए, अब आप पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। क्या? प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो प्राण वायु के आधार पर किस प्रकार है, आप इस क्लास को अच्छी तरह से नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार ये कितने प्रकार हैं इसके? ये भी दो हैं, कौन कौन से हैं बताएं? महाप्राण और ये अल्प प्राण। क्या लिखेंगे? महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। महाप्राण, अल्प प्राण, यानी प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। नंबर एक महाप्राण,
और नंबर दो अल्प प्राण, या फिर अल्प प्राण इधर कर लें महाप्राण इधर कर लें। तो चलिए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ जिन व्यंजनों के आधार पर। उस समय मैंने स्वरों के बारे में चर्चा की थी, आज हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं तो व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। तो जिन व्यंजनों में, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में कम हवा निकले, उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले निकले कौन कौन से होंगे, ये भी हम वर्गों के आधार पर ही बताएंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था वर्गों के बारे में, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, उसी प्रकार इसमें कौन कौन से वर्ग रखे गए हैं, एक, तीन और चार। एक वर्ग, एक वर्ग, तीन और वर्ग चार। तो लिख लेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले, वो महाप्राण। अब अधिक हवा निकले बताइए कौन कौन से हो गए, वो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन्हें बोलते वक्त ऊष्मा निकलती है, तो वही इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से थे वो, सलजम वाला सा, पेट फटा सा, षटकोण वाला सा और हाहल। ये अब इसी में आ जाएगा महाप्राण में। कुछ देर पहले ये हाहल अलग था और ये तीनों इधर थे। अब आपका महाप्राण में आपका चारों ऊष्मीय व्यंजन आ चुके हैं। अब आपका इसमें कितने वर्ग थे ये आपको मैंने बता दिए। अल्प प्राण में वर्ग कौन कौन से आते हैं, प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग। इसी में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, अंतस्थ या र, ल, ब, ये अल्प प्राण में ही आते हैं। और इसके बाद आपका, यानी स्वर भी अल्प प्राण के अंदर आ जाते हैं। लिख लीजिए स्वर भी अल्प प्राण के अंदर आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्वर भी अल्प प्राण के अंदर आ जाते हैं। और महाप्राण में आपको मैंने बता ही दिया है ये व्यंजन के प्रकार हो गए प्राणवायु के आधार पर, और उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम बताते हैं इनके उच्चारण स्थान। क्या लिखेंगे, उच्चारण स्थान। एक बार आपको मैं और क्लियर कर दूं, व्यंजनों के प्रकार प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले वो कौन कौन से हैं, जैसे स, स, स और ह, यानी आपके जो ऊष्मीय व्यंजन है उन्हें हम इस प्रकार बोल सकते हैं। और जो अल्प प्राण में हमारा वर्ग, जो फर्स्ट वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग रखा गया है, अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं और स्वर भी अल्प प्राण के अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे उच्चारण स्थान। इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं रहता है आपका, ओनली ज्यादा थोड़ी देर का और क्लास है।
आपके आपको मैं पूछूंगा दो चार क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस तौर के तौर पर। तो लिखें उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान। अभी जो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले वर्ग बताए थे, कौन कौन से, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 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 ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो वर्ग हैं उच्चारण स्थान, यानी ये किस किस कौन सा वर्ग किस स्थान से, यानी उच्चारण जो हम करते हैं या बोलते हैं किस जगह से, हमारे मुख से, यानी जो हमारा मुख है वहाँ से यदि हम बोलें तो किस किस जगह से, इनका स्थान किन किन स्थानों पर रखा गया है, कौन कौन से वर्ग का। तो क वर्ग का अगर हम बात करें तो ये कंठ है, यानी जो ये जो वर्ग है ये कंठ वर्ग है, कंठ इन्हें क वर्ग में रखते हैं कंठ। और जो आपका च वर्ग है वो आपका तालव्य, इसे तालव्य में, तालव्य कंठ है कवर्ग। कवर्ग आपको अगर हम बताएं तो अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या आता है। पहले आपको मैं ये बता दूं ये किस किस वर्ग में रखे गए हैं। कंठ रखा गया है हमारा कवर्ग में, जैसे जब हम बोलते हैं कंठ से कुछ भी किसी भी वर्ड को, अभी आपको मैं बताऊंगा। ये आपका च वर्ग हो गया तालव्य में, और ये मूर्धन्य, मूर्धन्य, और त वर्ग जो आपका है वो दंते है, दंते। उसके बाद आपका जो है ओष्ठ वर्ग प, ये कौन सा है? ओष्ठ वर्ग। अब आपको मैं बता दूं कि क वर्ग में हमारा कौन कौन सा वर्ण आता है, जब हम बोलते हैं तो किस प्रकार का उच्चारण निकलता है। तो लिखिए कंठ है क वर्ग, क वर्ग बोलिए, इसमें हमारा आता है आ, और आता है बड़ा आ, बोल कर देखें आ, आ, कंठ से, कंठ से हमारा कंठ कंपन हो रहा है आ, आ, तो क्या लिखेंगे? छोटा आ, बड़ा आ, और जो हा हल था जो हमारा ऊष्मीय व्यंजन था वो भी इसी में आ जाएगा, हा हा, बोले हा हा, बोल रहे हैं ना, हा हा। तो इसी प्रकार क वर्ग में ये आ गया। तो एक विसर्ग और है अंग, विसर्ग लिखेंगे, विसर्ग क्या है? अंग, ये भी इसी में आ जाएगा। अब आपका च वर्ग, च वर्ग में आपका आता है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ई, बोले ई ई ई, क्या निकल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है? तालव्य, ई ई, तालव्य जीव है ना हमारी, वो किस जगह टच कर रही है? उसी प्रकार आपको च वर्ग में ई ई, और एक या यायारी और सलजम वाला सा, 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 ये हमारे इसी वर्ग में आ जाएंगे। और अगला है मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी ट वर्ग। तो ट वर्ग में अगर हम बात करें तो आपका आता है रिर, रिर जो शुरू में कराया था, रिर, रिर बोलिए, रे 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 रे, और रा भी आ जाएगा, और ये आपका सब ही आ जाएगा। आपका अब बचता है दंतव्य, दंतव्य, दंतव्य में कौन कौन से हैं? ला और स, ला और स। आप एक बार बोलकर देखें मूर्धन्य में र र स, और तालव्य में जो वर्ग है आपका, अब ऐसे देखिए, अब आपके समझ में आएगा, क वर्ग में आ आ आ,
ये कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो कंठ में बोले जाते हैं यानी कंठ जो बोलते हैं, जो ये चीजें जो ये वर्ण हम बोलेंगे वो कंठ से बोलेंगे, ये जो बोलेंगे वो तालब्य से बोलेंगे, उसी प्रकार मूर्धन्य से, दंत से और आगे ओष्ठ से। तो ये जब हमारे, मैंने आपको कराने से पहले भी लिखा दिया है इनका उच्चारण स्थान, यानी इनका जब उच्चारण करेंगे तो ये किस किस स्थान से इनका उच्चारण होता है। तो अगला आपका है ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग में आपका ऊ आता है, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऊ ऊ बोलिए ओष्ठ। ओष्ठ के अनुसार आपका ओठ ओठ बोल हो रहा है ओष्ठ ऊ ऊ, तो उसी प्रकार ये आ गया आपका प वर्ग में। कचट तप, ये आपका हो गया क्लियर। अब उसी प्रकार आपका मैं बता दूं प, इसमें प वर्ग में आपके जैसे कि मैंने अभी बताया था प फ ब, ये भी इसी में आते हैं। प पापतिंग फाफल बावकरी और बावट्टी, प फ ब भ, ठीक उसी प्रकार ये आपको क्लियर हो गई है ओष्ठ में। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको हम पूछेंगे कुछ क्वेश्चन जो पिछली क्लास हमने कराई है उसके बारे में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें क्योंकि आपको कुछ याद है भी या नहीं भी, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 3-4, लेकिन तब तक हम एक चर्चा और कर लें, इसके बाद आपका 2-4 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस होगा, उसके बाद आपकी क्लास समाप्त होती है। तो लिखिए आओ, और उसके बाद बड़ा आओ, उसके बाद आपका भावकरी भावट्टी और मामच्छी, इनके बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है इन्हें हम बोलेंगे तो उच्चारण से क्या निकल रहा है। जैसे कि औ, बड़ा औ, तो इसमें से आ और ऊ, आ और ऊ निकल रहा है, हमारा बनता है औ और औ, कंठ है और ओष्ठ है, ये क्या है कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। उसी प्रकार भावट्टी और मामच्छी, इसमें भावट्टी मामच्छी नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये आ निकला था उसी प्रकार ये औ निकला था, इसी प्रकार यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई और उसके बाद उ, नहीं छोटी ई और उसके बाद आ और ई, हाँ आ और ई, आ और ई, ये हम बोले तो उच्चारण के तौर पर बोले तो क्या बोलेंगे, कहाँ से ये निकल रहा है, तो कंठ तालु से निकल रहा है आ, आपको तो हमने कंठ से ही बोला था आ, कंठ और ई, ई ई बोलिए ई, तालु से, तालु से, तालु से निकल रही है तो लिखेंगे यहाँ तालु, आ और ई, कंठ व तालु, ये कंठोष्ठ और ये लिख लें यहाँ पे कंठोष्ठ और ये लिखेंगे आप कंठ तालब्य, कंठ तालब्य। तो चलिए ये क्लास में यहाँ तक ही रखेंगे, उसके बाद आपसे हम 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। सभी लोग क्वेश्चनों का आंसर जल्दी से जल्दी दें, कुछ ज़्यादा नहीं है आपका, इसी टॉपिक से पूछ रहा हूँ। फिर आपका प्रत्येक हफ्ते के बाद जितना भी हमने कराया है उसका सभी का एक टेस्ट हुआ करेगा। तो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4,
जैसे कि इसमें लिखा होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के उच्चारण को इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दूसरा होगा आपका, आप बताएं, ये क्वेश्चन आपका है पहला, वर्णमाला किसे कहते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन है वर्णों के उच्चारण को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को और इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन चार। तो ये लिखेंगे इस पर, जैसे कि स स ह स स स ह त प ह म, या फिर हम लिखेंगे च छ ज झ च छ ज झ, या फिर हम लिखेंगे टा ठा डा ढा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन को आप और लिख लीजिए, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, क्वेश्चन तीन, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। तब तक आप जवाब दें कमेंट करके, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, बताइए वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है। अभी ही थोड़ी कुछ देर पहले हमने आपको बताया है, जैसे कि मूर्धन्य तालव्य कंठस्थ इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको पता होगा, आपने कमेंट कर दिया होगा, तो लिखिए वर्णमाला किसे कहते हैं। आपको मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था, वर्णों का वह व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो आप इनमें से देख लीजिए वो ऑप्शन किस जगह है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ये हमारा सही इसमें हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजनों के बारे में भी हमने अभी चर्चा की है। ऊष्म व्यंजन यानी हमारे मुंह से जो गर्म हवा उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि अगर हम अपना हाथ रगड़ेंगे तो इसमें से हीटिंग उत्पन्न होती है, तो उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। तो लिखिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसमें दिख रहा है स स स ह, ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तीसरा है वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, बताइए कौन सा सही होगा। तालु अगर लिखा है तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा वो तालव्य आंसर होगा। तो आप समझिए किस प्रकार इन क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा अगले सेशन के साथ। मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप क्लास में अंत तक क्लास को देखें और अच्छी तरह से अपना अध्ययन करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।